वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रायल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? और जो इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस हैं, फाइनली उन्हें रिवाइज कर दिया गया है 5 कंट्रीज के लिए, जिन कंट्रीज की हमने बात की है। अब इस लिस्ट में कौन सी कंट्रीज के नाम हैं और किन के नहीं हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियोस की, उसमें आपको सिर्फ स्टेटस अपडेट दिया था कि अभी क्या चल रहा है, मेरी क्या बात हुई उनसे और मोस्ट लाइकली क्या होने जा रहा है, तो उसके बारे में हमने बात की। लेकिन आज फाइनली हमारे पास वो डॉक्यूमेंट आ गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट पे अपलोड कर दिया गया है, और ये मैं अपनी साइट पे भी अपडेट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने पर्सनल नोट पे, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। वेल, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फटाफट से शुरू करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ इसके लिए स्क्रीन पे, और आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के, जो मेन हाईलाइट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर देखनी है। लेट्स बिगिन। ओके, सो ये है इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। आप देखेंगे इसकी डेट है 29 दिसंबर 2022, तो ये आज ही शाम को अपलोड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें, स्कोप पढ़ें, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल्स टू बी कंप्लाइड बाय इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एज वेल एज पॉइंट्स ऑफ एंट्री, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स, एंड शेल बी वैलिड फॉर ऑल फ्लाइट लैंडिंग्स इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2023। मतलब कि 1 जनवरी से, नेक्स्ट वीक से ये लागू हो जाएंगी, टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, प्लानिंग फॉर ट्रैवल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ऑल ट्रैवलर्स शुड प्रेफरेबली बी फुली वैक्सीनेटेड एज पर द अप्रूव्ड प्राइमरी शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट COVID-19 इन देयर कंट्री। ओके, प्रेफरेबली का मतलब यह है कि गवर्नमेंट आपको इंसिस्ट करती है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो, चाहे आपने 2 डोजेज लिए हैं, चाहे आपने बूस्टर लिया है, जो भी है, आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कर सकते हैं। अपने एयरलाइंस को ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, कि ये ना हो कि जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको वो कोई PCR टेस्ट वगैरह के लिए बोल दें। यूजुअली जो लोग हैं विदाउट PCR टेस्ट भी ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से बाहर। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर 5 कंट्रीज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू पैसेंजर्स इन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स from certain high risk countries, such travelers would be required to submit complete and factual information in self declaration form on the air suvidha portal. ठीक है, उसका लिंक इन्होंने दे दिया है newdelhiairport.in before the scheduled travel. ठीक है, before the scheduled travel including last 14 days travel details. मतलब कि last 14 days की आपकी क्या travel history है, वो भी आपको उसके अंदर specify करनी पड़ेगी इस form के अंदर. Okay, by the way let me tell you कि air suvidha portal अभी भी चालू नहीं हुआ है। Hopefully वो मुझे लगता है कि शायद संडे तक आप पहुँचे रात को। अब यहाँ पे लिखा है, पॉइंट भी पढ़े ध्यान से यहाँ पे, अपलोड नेगेटिव COVID-19 RT-PCR रिपोर्ट ऑन द एयर सुविधा पोर्टल। तो अब करना यह है कि आपको COVID-19 PCR रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। द टेस्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स प्रायर टू अंडरटेकिंग द जर्नी। तो मतलब अगर आप वापस आने लगे उन 5 कंट्रीज से, हाई रिस्क कंट्रीज से, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, हांगकॉन्ग, जापान, तो उस केस के अंदर क्या है कि आपको चलने से पहले वहां से COVID-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, इसमें बहुत क्लियरली ये चीज दी हुई है, ईच पैसेंजर शेल ऑल्सो सबमिट अ डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिपोर्ट एंड विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इफ फाउंड अदरवाइज। तो वो एयर सुविधा के अंदर ही आपको डिक्लेरेशन देनी होती है, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास 2 चीज़ें करने के लिए अब, कि एक तो PCR टेस्ट हमें वहीं से कराना पड़ेगा, मतलब कि अगर आप थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, हांगकॉन्ग से अगर आ रहे हैं, चाइना से अगर आ रहे हैं, तो एयर सुविधा आपको 24 घंटे के भीतर जो है भरना पड़ता है। फिर आगे लिखा है पॉइंट डी, दे शुड ऑल्सो गिव एन अंडरटेकिंग ऑन द पोर्टल और अदरवाइज टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कंसर्न एयरलाइंस बिफोर दे आर अलाउड टू अंडरटेक द जर्नी दैट दे वुड अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी। एनीवेज मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, ये डिक्लेरेशन देनी होती है। फिर आगे ड्यूरिंग ट्रैवल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, मास्क की बात होती है यूजली। यहाँ पे वैसे लिखा है बाय द वे, प्रेफरेबल यूज ऑफ मास्क एंड फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन्होंने ये चीज़ डाली है। ऑन अराइवल पे, अब मैं उन कंट्रीज की बात करता हूँ जो कि ये 5 हाई रिस्क कंट्रीज में नहीं आती, ठीक है। तो उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो नॉर्मली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में,
A subsection 2% of total passengers in all incoming international flights shall undergo random post-arrival testing at the airport on arrival, irrespective of the port of departure. ओके तो रैंडमली आपका सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है. अगर मान लीजिए आप इन पांच कंट्रीज के अलावा कहीं और से आते हैं, जैसे आप कनाडा से आ गए या आप दुबई से आ गए, तो उस केस के अंदर जो है आपकी जो रैंडमली सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है 2% पैसेंजर्स का. ओके बाकी इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे. ऑल ट्रैवलर्स शुड सेल्फ मॉनिटर देयर हेल्थ पोस्ट अराइवल एंड also shall report to their nearest health facility or yeah, call the national helpline number 1075. ठीक है, जो high risk countries हैं उनके नाम भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. China, Singapore, Hong Kong, Republic of Korea, Thailand and Japan. Okay. By the way, बच्चों के बारे में पढ़ लीजिए आप नीचे. Children under 12 years of age are exempted from post-arrival random testing. However, if found symptomatic for COVID-19 on arrival or during the period of self-monitoring period, they shall undergo testing and treated as per laid protocol. ओके तो ये जनरल इन्होंने काफ़ी थोड़ा मिक्स कर दिया है इस पूरे आर्टिकल को, लेकिन जो मुझे समझ में आया यहाँ पे ये है कि ये जो पांच कंट्रीज हाई रिस्क कंट्रीज उनके ऊपर एयर सुविधा और आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वहाँ से कराना पड़ेगा. और ये चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब जो 2% पैसेंजर्स को टेस्ट करेंगे उसके अंदर अगर आपके सब बच्चे ट्रैवल करते हैं तो उन्हें एग्जेम्पशन है जो 12 साल से नीचे के हैं. अदरवाइज लेकिन अगर आप थाईलैंड से ट्रैवल करके आते हैं या जापान से आते हैं बच्चों के साथ या सिंगापुर से होके आते हैं, तो देन उस केस के अंदर आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा. दैट व्हाट इट मींस. ओके अब हम देख लेते हैं कि एयर सुविधा पोर्टल चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो इसके बीच में ही डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिंक भी दिया है, तो इसको खोल के देखते हैं. तो जैसे मैं करता हूं तो यहां पे अभी भी मुझे मैसेज आ रहा है एयर सुविधा इज कमिंग सून. ओके ऑलराइट गाइस, ये थे रिवाइज गाइडलाइंस. सो बहुत ही क्लियरली इन्होंने इसमें कह दिया है कि पीसीआर टेस्ट जो अब आपको वहाँ से करा के चलना पड़ेगा, एयर सुविधा पे अपलोड करना पड़ेगा और वापस इंडिया आना पड़ेगा, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, नेगेटिव रिपोर्ट हो आपकी तो अच्छी बात है. अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से आ रहे हैं, उनके क्वारंटीन पीरियड या स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन मैं आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता यहाँ पे. मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसा कोई मेजर इशू है ट्रैवलिंग के अंदर. सिर्फ ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए आई थिंक फॉर अबाउट 40 days और 60 days ये चीज़ें रह सकती हैं, जब तक ये कोविड का आउटब्रेक का जो ये न्यूज़ में चल रहा है जब तक ख़त्म नहीं होता, या 2-3 महीने ये क्रूशियल हैं काफ़ी. तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्लॉज हट जाएँ लोगों के लिए. एनीवेज गाइस, एयर सुविधा के बारे में फिर से मैं एक चीज़ बोलूँ कि एयर सुविधा इन्हीं पांच कंट्रीज़ को भरना है. अगर कोई और इस वीडियो को देख रहा है और वो कहीं और से आ रहा है तो उसे एयर सुविधा फिल करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, ये था इस वीडियो में मैसेज. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता लगे. ओके और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जाने से पहले. गुड बाय एंड टेक केयर.